अमेरिका का जिक्र किया, बात सही है, लेकिन एक पार्ट उसका छोड़ दिया। जब अमेरिका के लिए उड़े तो थोड़ी देर बाद अनाउंस हुआ, मौसम खराब है, कमर की पट्टी बांध लें, आज प्लेन गिर सकता है। ये डॉलर बांधने लगा, ये सुमन अपने ज्वेलरी बांधने लगी। मैं बोला कर क्या रहे हो? बोले प्लेन गिरेगा तो लोग लालच में बचाएंगे, हमको खोजेंगे। मैं बोला प्लेन गिरेगा सबसे पहले लोग मेरे को खोजेंगे। बोले क्यों? मैं बोला इतना मालूम नहीं क्या, प्लेन गिरता है सबसे पहले ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। यही स्थिति है, ये पीछे लगे रहते हैं। और मैं जानता हूं दरभंगा का कॉन्फिडेंस तगड़ा है। आज मैं एक आदमी से पूछा, उसका बच्चा तुतलाते हुए चल रहा था, तुम्हारा बेटा तुतलाता है का? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। ताली बजाओ, सांस लेना है। बार बार सुबेरे से सुमन बोल रही है इंटर में 800,000 बच्चे बिहार में फेल हो गए। असली में क्या था, तीन सवाल गलत, तीन सवाल पूछे गए। सवाल एक, कोटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? नंबर दो, मुलायम मोदी के कान में क्या फुसफुसाए? और नंबर तीन, क्या सोनम गुप्ता सही में बेवफा है? हे भगवान, किसी को ऐसी सजा मत देना, राहुल जैसी जवानी मत देना, और अडवानी जैसा बुढ़ापा मत। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम सोचते हैं जब ना ये खाएंगे और ना खाने देंगे तो इतना शौचालय काहे बनवा रहे। सांस लेना है। मल्लिका शेरावत को जानते हैं आप? एक ऐसी सुंदर युवती जिसके दो जोड़ी कपड़े मिक्सी में धुल जाते हैं। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। बढ़िया जी भी स्थिति है। बाबा ने सबको कहा योग करो, काम धंधा छोड़ दो, योग करो। सब काम धंधा छोड़ के योग करने लगे। जब सब योग करने लगे तो बाबा काम धंधा करने लगे। बहुत ही बढ़िया। और अब तो 500 प्रोडक्ट लॉन्च हो गए। मैं सुना हूँ जीन्स आ रही है, जबकि सलवार ने उनकी इज्जत बचाई थी। सांस लेना है। खूबे बहुत ऊंची चीज है। कुमार विश्वास, लोग कहते हैं कुमार विश्वास आपके हैं, मैं बोलता हूँ कुमार विश्वास आपके नहीं है। जब सच कहना हो तो किसी के बाप के भी नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। देश की तमाम पार्टी, आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, तमाम पार्टी के लोग इसका दरवाजा खिड़की खोल के आइए कुमार जी, भोजन तैयार है। लेकिन ये जाने को तैयार नहीं है तो क्या करें? कोशिश तो करते हैं कि आ जाए, लेकिन आते नहीं है। क्योंकि जिस जनता को कुमार ने प्यार से जीता है, उसको लड़के जीतने की क्या जरूरत है। लेकिन क्या करें, बहुत दिक्कत है। काला धन आएगा, काला धन आएगा, काला धन आया नहीं। विजय माल्या सफेद धन लेके निकल लिया। वो किंग फिशर के ऑफिस के सामने लड़की खड़ी है, पागल हो गई, आसमान की तरफ देखती, आएंगे मेरे करण अर्जुन, आएंगे मेरे विजय माल्या, ललित मोदी आएंगे। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक समाचार देखा होगा, पढ़ा होगा कि इंडियन एयरलाइंस के पायलट ने एयर होस्टेस को छेड़ा, तो हमने पायलट को घेरा। हम पैसेंजर हैं, टिकट हम कटाते हैं, और सुविधाओं का लाभ आप उठाएंगे, मोबाइल तो हम सुविधा लेने कहाँ जाएंगे? बड़ी दिक्कत है। कविता के लिए कोनो कठिन शब्द नहीं लगता है। हाँ, बिहार में इतना प्रगति आया है, इतना प्रगति आया है कि आदमी भैंस के ऊपर चढ़ाए फिर हेलमेट लगाए।
पुलिस वाले रोक दिया, काय रोक रहे हैं, लगाए तो हैं। बोले हमको कानून मत सिखाओ, भैंस फोर व्हीलर है, लाइसेंस दिखा। मंजिए आप भी देखिए, पलट तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर। समझिए आपकी धरती में समाई जाओ, इसीलिए लाया हूँ मिथिला में। सरदार मेरे बारे में बात कर रहा था, मैं आदमी